तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिशमित और आज मैं फिर से खेल रहा हूँ नेदर गेम्स एंड बैड वॉर्स, बट मैं कस्टमाइज कंट्रोल्स के साथ खेल रहा हूँ इस बार। तो मैंने माइनक्राफ्ट को अपडेट कर लिया है 1.20.70 पे, तो इसलिए मैं अब कस्टमाइज कंट्रोल के साथ में खेल पा रहा हूँ। और सच बताऊँ तो ये कस्टमाइज कंट्रोल का फ़ायदा और नुकसान दोनों ही हैं, जो कि आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा। और आप लोग देख ही सकते हैं, बंदा भागने का कोशिश कर रहा था तो मैंने इसे गिरा दिया गोल्ड से मार के, और मैंने इसका बैड ले लिया है। अब इसे ख़त्म ही कर दूँगा। ओके, अब ये आ रहा है, अब इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये रेड वाले भैया का बन गया भरता। ओके, अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ। मैं अपना बेस में पहुँचने के बाद मैं यहाँ से ब्रिजिंग करता हूँ, और मैं जंप का बटन में क्लिक करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा स्क्रीन पे टैप हुआ था गलती से, जिसका वजह से मैं नीचे गिर जाता हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये है कस्टमाइज कंट्रोल का ये नुकसान। ओके, तो मैं जाता हूँ फिर से, तो इस बार मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, इस बार मैं थोड़ा कम जंप करता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ ग्रीन का बेस में पहुँच चुका हूँ। और बाय द वे, मैं आप लोग उसमें कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई यूट्यूबर मिल जाता है गेम में या फिर आप लोग उसको मार देते हो, तो फालतू का स्क्रीनशॉट लगाने का जरूरत नहीं है अपना कम्युनिटी टैब में या फिर किसी में भी कि हाँ मैंने यूट्यूबर को मार दिया है। हम लोग भी आप लोग की तरह ही एक इंसान ही है, हम लोग को ये भगवान या हैकर तो नहीं है कि हम लोग हार नहीं सकते। डेफिनेटली हम लोग हार सकते हैं। और बाय द वे, मैं अपने आप को प्रो भी नहीं मानता हूँ मैं अपना गेम में, मैं अपने आप को अभी भी एवरेज प्लेयर मानता हूँ या तो नूबी मानता हूँ। ठीक है, आप लोग देख ही सकते हैं बंदा कितना भागने का कोशिश कर रहा है, उससे बढ़िया फाइट ही कर लेता लेकिन मेरे हाथों तो मारा गया। लॉल, अब क्या ही कह सकते हैं, गोजो शत्रु के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ठीक है, तो आगे मैं जाता हूँ। इस बार कौन सा टीम बचा है, आई डोंट नो, शायद हाँ सियान का टीम बचा है जो कि आखिरी बंदा है। तो मैं यहाँ पे डर डर के ब्रीजिंग करता हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एकदम संभल संभल के कहीं गिर ना जाऊँ मैं। ओके, और फिर वहाँ से सामान लेने के बाद मैं जाता हूँ सियान की बेस की तरफ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो मैं सियान की बेस की तरफ मैं आ चुका हूँ पूरी तरह से। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसका बेस तोड़ता हूँ और जल्दी से मैं वो दूसरी तरफ जाता हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ सियान ख़रीदारी कर रहा होता है। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद सियान फाइनली मुझे मिल जाता है, यहाँ पे ख़रीदारी कर रहा होता है जैसा कि मैंने कहा था। तो मैं फायरबॉल लेता हूँ अपना हाथ में और दो फायरबॉल दे दनादन मार देता हूँ और अनफेयर एडवांटेज का मज़े ले लेता हूँ पूरी तरह से, और बेचारे को मैं ख़त्म करके मैं कर लेता हूँ विक्ट्री इस गेम को। अब चलते हैं दूसरे मैच की तरफ। तो ओके, तो दूसरा मैच आप लोग खुद इन्जॉय करिए, मैं आप लोग को एंड में अब मिलूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, अभी मुझे पढ़ने भी जाना है। तो या एंड में मिलते हैं आप लोगों से। Started as a whisper.
तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए सायोनारा।